अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलीशा। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही आसान झटपट बनने वाली। तो आज मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल क्रंच डिलाइट, जो बहुत इजीली बन जाता है कम वक्त में लेकिन उम्दा जायके के साथ। तो शुरू करते हैं। पाइनएप्पल क्रंच डिलाइट के लिए जो चीज़ें चाहिए, पाइनएप्पल चाहिए, देखिए मैंने इनको बिल्कुल बारीक काट लिया, छोटे पीस, बिल्कुल छोटे पीस। उसके बाद केक चाहिए, यहाँ पे मैंने बेक टाइम के केक लिए हैं, आप किसी भी ब्रांड के केक ले सकते हैं या प्लेन केक भी ले सकते हैं। इसके बाद बिस्किट लिए हैं मैंने 15 पीस, कैंडी के लिए हैं, इनको बिल्कुल मैंने छोटा सा तोड़ लिया है। क्रीम चाहिए 400 ml, कटे हुए बादाम चाहिए 14 स्पून, कटे हुए काजू चाहिए 40 स्पून, पाइनएप्पल का सिरप चाहिए 1 कप, मैंने चीनी ली है यहाँ पे, बटर 1 टीस्पून। चलें शुरू करते हैं। पहले क्रंची डिलाइट बन रहा है तो पहले क्रंच की तैयारी करते हैं, क्रंच बनाते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। बिल्कुल हल्की फ्लेम पे रखना है ताकि ये चीनी जले ना, सिर्फ को मेल्ट करना है और चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे से ना चिपके, सिर्फ इसको मेल्ट करना है। तो मेल्ट होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। देखें चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है, चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है। ये देखें ये लिक्विड फॉर्म में आ गई है, लेकिन अभी भी ये डिसॉल्व होगी। जब ये अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी तो हम इसमें 1 टीस्पून बटर डाल देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल डिसॉल्व हो चुकी है, अब इसमें 1 टीस्पून बटर डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कटे हुए बादाम डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए ये हमारी कैरमल क्रंच बिल्कुल तैयार है। ये स्कॉच बटर आइसक्रीम में भी यही यूज होती है, अगर आप इसे बना के रख भी लेंगे तो ये बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने में आपको काम आ सकती है, अगर नहीं तो आप उस टाइम फ्रेश बना लें। ये बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है। एक बटर पेपर लेंगे, ये बटर पेपर ले लिया, इसके ऊपर इसे निकाल देंगे, गरम गरम ही निकाली, बहुत ही गर्म, सारी निकाल लेंगे। ये देखें ये हमारे कैरमल क्रंच बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि सेट हो जाए। अब ले लेते हैं एक बाउल ले लिया है, अब इसमें क्रीम डालेंगे। यहाँ पे मैंने मिल्क पैक की क्रीम ली है, सारी निकाल देंगे। क्रीम मैंने निकाली है सारी, 2 पैकेट थे, 400 ml क्रीम थी। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ये पाइनएप्पल कटे हुए, बिस्किट डाल देंगे, कटे हुए बादाम 4 टीस्पून, कटे हुए काजू 4 टीस्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे।
ऐसे मिक्स करेंगे। सेट हो चुकी है, अब हम सर्विंग बाउल लेंगे। इसमें हम केक बिछा देंगे, केक की लेयर लगा देंगे। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप ये मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट बनने वाला और थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है। केक की लेयर सेट हो चुकी है, अब इसमें हम पाइनएप्पल का सिरम लगाएंगे। अगर सिरम नहीं है आपके पास तो आप पाइनएप्पल का फ्रेश जूस भी ले सकते हैं। इस सीरम लगा चुके हैं, अब हम कोटिंग करेंगे क्रीम की। बहुत ही इजी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेंशन आपको ज़रूर जवाब दूंगी। क्रीम अच्छे से मैंने सेट कर लिए, उसके ऊपर डालेंगे जो मैंने क्रंच सा बटर स्कॉच बनाया था, बिल्कुल तैयार है। इसको तोड़ के ये देखिए हमारा पाइनएप्पल क्रंच डिलाइट बिल्कुल तैयार है। इसे आप फ्रिज में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आप फ्रीज़र में रखना चाहते हैं तो 2 घंटे में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।